कपिल शर्मा की फिल्म ज्विगाटो का ट्रेलर रिलीज हुआ है। कुछ महीने पहले फिल्म से एक क्लिप रिलीज की गई थी जहां हम देखते हैं कि कपिल का किरदार एक फूड डिलीवरी बॉय का है, घर चलाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसकी पत्नी भी मदद करने के लिए काम करना चाहती है लेकिन वो मना करता है, शायद पत्नी का काम करना उसके अहंकार को चुभ रहा है। खैर, ट्रेलर में हम मानस की पूरी दुनिया देखते हैं। मानस कपिल के किरदार का नाम है। मानस पहले एक फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था, नौकरी छिन जाती है, ज्विगाटो नाम की फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने लगता है। पतली संकरी गलियों में खाना पहुंचाता है, उन बहुमंजिला बिल्डिंगों में खाना पहुंचाता है जिनकी लिफ्ट के बाहर कागज चिपके होते हैं और लिखा होता है डिलीवरी वालों का लिफ्ट इस्तेमाल करना वर्जित है। मंदिर में नंगे पांव जाकर डिलीवरी कर रहा है। मानस अपने काम से सुखी रहने की कोशिश कर रहा है, तभी अपने बच्चों को बताता है कि खाना खिलाना एक पुण्य का काम है, लेकिन अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है ऐप पर 5-स्टार रेटिंग न मिल पाने से, उस सिस्टम से जो डिब्बों का बोझ उठाने वाले डिलीवरी बॉय को उसकी मेहनत का सही मुआवजा नहीं देता। देश की दो बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है जोमैटो और स्विगी, उन्हीं के नामों को मिलाकर बना है ज्विगाटो। इस फिल्म की कहानी घटती है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कपिल के एक्सेंट से भी ये क्लियर होता है। इस फिल्म का चर्चा का विषय बनने की वजह है कपिल। उन्होंने कॉमेडी शोज किए, जीते भी, प्रसिद्धि कमाई, एक कॉमेडियन के तौर पर पूरे देश में पहचाने जाने लगे, अपना खुद का शो भी बनाया, वो भी कामयाब रहा। अपने करियर की चढ़ान को बनाए रखने के लिए उन्होंने फिल्मों में एंट्री की, कॉमेडी फिल्में की, लेकिन नहीं चली। एक एक्टर के नाते उनकी इमेज बुलंद नहीं हो पाई, मगर ज्विगाटो ये बदल सकती है। डायरेक्टर नंदिता दास से जब पूछा गया कि उन्होंने फिल्म के लिए कपिल को क्यों चुना, उन्होंने जवाब दिया कि वो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्म के ट्रेलर से समझ आता है कि उनकी सोच क्यों सही थी। ट्रेलर देखकर लगता है कि कपिल अपने किरदार को कैरिकेचर नुमा नहीं बनने देते। एक एक्सेंट के साथ बोलने वाला आदमी हंसी का पात्र नहीं बनता। यहाँ देखकर लग रहा है कि कपिल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, खुद को चैलेंज किया है, खुद को नए सिरे से रिबूट किया है। उनके साथ ही बात होनी चाहिए शहाना गोस्वामी की भी, उन्होंने फिल्म में मानस की पत्नी का रोल किया है। एक सीन है जहाँ उनका किरदार किसी बड़े घर में काम करने जाता है। वो घर के बड़े दरवाजे की ओर गर्दन उठाकर देख रही हैं, तभी अचानक वो खुल जाता है। उसकी हैरानी का सबब नहीं रहता। जिस तरह शहाना ये आम लगने वाली चीज़ देखकर विस्मय में पड़ती हैं, वो एकदम नेचुरल लगता है। इन दोनों एक्टर्स के अलावा हम ट्रेलर में स्वानंद किरकिरे को भी देखते हैं। ज्विगाटो ऐसी फिल्म नहीं होगी जो बम्पर पैसा कमाए, ये जरूरी बात कहने वाली फिल्म होगी। फिल्म को बनाया है नंदिता दास ने। 17 मार्च को ज्विगाटो सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने, मैं हूं मेघना, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।